फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल मंजू फैशन हम में आप सबका स्वागत है। आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम आ गई हैं, तो इसमें हम बनाएंगे एक सुंदर सा पायदान, वो भी बगैर किसी सिलाई मशीन के, हाथ के द्वारा और सुई के द्वारा बन जाएगा। तो उसके लिए हम ये देखिए, किसी चुन्नी से, लवर से, टी शर्ट से, इस तरह से जितना कपड़ा पतला हो वो थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लेंगे, मोटा हो तो थोड़ा कम ले लेंगे। चुन्नी थी तो मैंने 7 इंच का लिया है, और लंबाई आप जितना पायदान बनाना चाहते हो, लंबाई चौड़ाई आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। ये मैंने चुन्नी के पीस ले लिए हैं, और अब हम इनकी बनाएंगे चोटी, बालों की चोटी की तरह सब पीस की हम चोटी बना लेंगे। आप जितना लंबा चौड़ा बनाना चाहते हैं उसी के हिसाब से आप लंबाई चौड़ाई के हिसाब से चोटियां बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, चोटियां बनाने के लिए हम तीनों कपड़ों को ऐसे पकड़ेंगे, 1, 2 और ये 3। तीनों को हम यहाँ इकट्ठा कर लेंगे सिरे से पकड़ के, बिल्कुल एक जैसा करेंगे, नहीं तो ये निकल जाएगा बाहर बांधते हुए। ऐसे एक साइड से हम पकड़ के, और यहाँ पर हम कपड़ा बांध लेंगे, धागा भी बांध सकते हैं, और एक टाइट सी गांठ मार लेंगे, और जो ये कपड़ा एक्स्ट्रा बार बचेगा वो हमारे फूंदे बन जाएंगे, जो बनने के बाद अच्छे लगेंगे। तो इस पर अच्छे से हम नॉट लगा देंगे, ताकि ये खुले नहीं, और फिर हम इसकी बनाएंगे चोटी। तीनों सिरे अलग अलग करेंगे, और ऐसे चोटी बनाते हुए इसको पूरे को हम कर देंगे कवर। ऐसे बनाते रहेंगे चोटियाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चोटी बनकर रेडी है। जैसे हमने आगे कपड़े को गांठ लगाई थी धागे के साथ, वैसे ही हम यहाँ पर फिर से गांठ लगा लेंगे, ताकि ये खुले नहीं। और इस तरह से आप जितना लंबा चौड़ा बनाना चाहें उतनी ही चोटियाँ बना दें, और बहुत ही मजबूत और अच्छा टिकाऊ बन के तैयार होता है। ये देखिए हमारी चोटी तैयार है, और हम इसकी यहाँ पे फिर हम जैसे हमने सिरे पे बांधा था वैसे ही इसको अच्छे से टाइट करते हुए गांठ लगा देंगे। और ये हमारे फूंदे रह जाएंगे साइड में, अच्छे लगेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस तरह से मैंने ये बहुत सारी चोटियाँ बना ली हैं, अब हम इनको सिल लेंगे। आपको जो कलर पसंद हो उसके हिसाब से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ऐसे रखते हुए नहीं, ऐसे हम रखते जाएंगे। ये छोटी बड़ी हैं तो इसको बीच में सही से कवर कर ले, साइडों में थोड़ा आगे पीछे रह जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसकी लंबाई बहुत अच्छी है, छोटा नहीं है बिल्कुल भी। इस तरह से हम सबको मिलाते हुए इसको सुई के और धागे से सिल देंगे। जितनी आपको लंबाई चौड़ाई रखनी है उसी हिसाब से इसको आप रख सकते हैं। ये देखिए धागे पर गांठ लगा लेंगे, और पहले हम इसको अच्छे से सेट करके सभी कनियों को और बीच से लगाएंगे, ताकि ये इधर उधर सरके नहीं, साइड में लगा देंगे तो ये सरक जाएंगी और फिर से छोटी बड़ी निकल जाएंगी। ऐसे निकालते हुए इसको पहले इसको सेट कर लें, और फिर इसके अंदर से सबके अंदर से धागे ऐसे निकालते हुए चले जाएं, और थोड़ा सा धागे को खींच लें, ज़्यादा ना खींचे ताकि ये मुड़ जाएं। इस तरह से पूरे में हम धागा खींचेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और इससे ये एक सभी मिल के इकट्ठी हो जाएंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बना सकते हैं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और घंटी का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस तरह से आप इसको सिलते जाएंगे। जो ये नोट हम लगा रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम लगा देंगे ताकि ये बीच से खुले नहीं। इस तरह से हम इसको लगा लेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे सबको, और ये इस तरह से हमारा बन के होगा रेडी। तो इस पर हम सब पे धागा लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इतना हाफ तो मैंने जोड़ लिया और अब हम इधर से होल जोड़ेंगे इसको। मैं दो दो इंच पे इसको सबको जोड़ रही हूँ, तो ज़्यादा गैप नहीं छोड़ेंगे, ज़्यादा गैप से ये खुला खुला लगेगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा खिंचाव करते हुए धागे में, और हम इसको पूरे को ऐसे ही सिलते चले जाएंगे। ये देखिए जी, ये हमारा बढ़ के रेडी हो गया है बिल्कुल, और ये अच्छा वाशेबल देखिए, बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये सिलाई से करा है सुई धागे से, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। और ये बिल्कुल मजबूत बढ़िया है, अच्छी तरह वाशेबल है, सुई का बहुत ज़्यादा काम है, थोड़े अच्छे से लगाने पड़ेंगे नहीं तो ये बीच में से खुला खुला रह जाएगा और ये जल्दी निकल जाएंगे, अजीब से लगेंगे। तो आप सुई के साथ इसे अच्छे से अटैच करें और अपने लिए बनाएं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबको राम।